नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का निधन हुआ और उसका कारण बताया गया है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। ऑल्दो उनको और भी कई बीमारियां थी, पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका था, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ था और ऐसी कई सारी बीमारियां उनको थी, राइट। लेकिन अभी जो अकस्मात उनकी मृत्यु हुई है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, तो उस चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, कैसे होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं और ये इतना कॉमन है कि आपके जानने वालों में से किसी को भी हो सकता है और आपको क्या नॉलेज बेसिक होना चाहिए ताकि आपकी जान बच सके, आप किसी की जान बचा सके। सो वीडियो पूरा देखना है, ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है ताकि यूट्यूब दूसरों को ये रेकमेंड करे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में आपको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, या फिर सांस लेते समय अनकंफर्टेबल फील हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि पूरी तरह से हवा ही नहीं भर रही है आपके लंग्स में, ऐसी चीज़ें हो सकती है। आपको ये चीज़ें समझनी है कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि यही चीज़ होगा वही चीज़ होगा। कई बार ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बैठे बैठे होती है, कई बार लेटे लेटे होती है, कई बार चलने फिरने पे होती है, कई बार एक्सरसाइज करने पे होती है, राइट। हर एक चीज़ में अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में ज़्यादातर आपके फेफड़े, आपके लंग्स प्रॉब्लम होता है। लंग्स क्यों प्रॉब्लम करेंगे? हार्ट के वजह से भी कर सकते हैं, इन्फेक्शन के वजह से भी कर सकते हैं, अस्थमा के वजह से, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन जब भी लंग्स में इशू होगा तो उसमें से आवाज़ आ सकती है। लंग्स के अंदर जो सांस की नलियां होती हैं, अगर नलियां सिकुड़ जाती हैं तो वीजिंग की आवाज़, सीटी जैसी आवाज़ आती है जो हम इस स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं छाती में, और कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर तक लोगों को ऐसी आवाज़ें आती है, तो वो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, राइट। सो अगर ऐसा हो रहा है तुरंत हॉस्पिटल जाइए, पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, नेबुलाइजेशन, इंजेक्शंस, इन सब चीज़ों की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कारण क्या क्या हो सकते हैं ब्रीदिंग के? हमने बात करी हार्ट की डिजीज़ में, हार्ट जब आगे पंप नहीं कर पाता ब्लड, तो बैक प्रेशर जहाँ से ब्लड हार्ट में आता है ऑक्सीजनेट करके आपके लंग से वहाँ पे जनरेट हो जाता है और लंग्स के अंदर इतना प्रेशर हो जाता है, लंग्स में पानी भरने लगता है, पल्मोनरी एडिमा होने लगता है, तो वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी करता है। तो हार्ट फेलियर से भी लंग्स में प्रॉब्लम होती है, जो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई बार सिर्फ हार्ट आगे कम पंप करे तो मसल्स और बॉडी इतनी वीक हो जाती है, क्योंकि आगे खून उतना, ऑक्सीजन उतना नहीं पहुँच रहा कि आपको चलने फिरने पर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है और बैठने पे, रिलैक्स करने पे ठीक हो जाती है। ऐसा कुछ है तो वो हार्ट की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। और साथ में डेंजरस, जानलेवा चीजें भी हो सकती हैं जो के उन केस में हो सकता है कि वहां हुई हो, जैसे कि पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब एक खून का क्लॉट आपके फेफड़ों की, लंग्स की आर्टरी में, यानी खून ले जाने वाली नस में जाके फंस गया, बहुत सारे क्लॉट फंस गए एक साइड या दोनों साइड। सो वहां पर हवा तो जा रही है लेकिन खून ही नहीं जा रहा, ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा, खून ही नहीं जा रहा ऑक्सीजन लेने को, कार्बन डाइऑक्साइड देने को। सो एकदम बॉडी के अंदर हार्ट अटैक से भी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाती है, जानलेवा सिचुएशन। पेशेंट को खून पतला करने के इंजेक्शन, वेंटिलेटर, कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। ये अपने आप में डेंजरस सिचुएशन है। इसे पल्मोनरी मतलब लंग्स और एम्बोलिज्म मतलब क्लॉट आ जाना कहते हैं। इसी के अलावा क्रोनिक बीमारियां होती हैं, अस्थमा की या COPD, जो लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, जिनकी TB हो चुका है, जिनका कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय से सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेते हैं, उनके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, या किसी लंबे निमोनिया के बाद भी ऐसा होता है। इवन निमोनिया में, एक्यूट निमोनिया में आपको सांस फूलेगा, और ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में भी सांस फूलेगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो हमने आपको बताया, बैक प्रेशर से आपके लंग्स में प्रेशर हो जाता है, उसमें भी, और लंग की दूसरी बीमारी में भी। यहाँ तक के ये सब तो सीरियस बीमारियाँ हुई लंग्स और फेफड़ों की और हार्ट की। छोटी बीमारियाँ जो कि जानलेवा नहीं है, उससे भी सांस फूल सकती है, और इससे भी खतरनाक बीमारियाँ, जैसे पहले खतरनाक की बात कर लेते हैं, हार्ट की, जो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट के अंदर रिदम प्रॉब्लम हो गया, एंजाइना हो गया, कंजेनाइटल, बचपन से हार्ट में कुछ छेद है, ऐसी चीज़ों में भी हार्ट सांस फूल सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस, बाकी चीज़ें, राइट, और पैनिक अटैक्स में भी सांस फूल सकता है,
हाई एल्टीट्यूड पे जाके सांस फूल सकता है, डस्ट एलर्जी से सांस फूल सकता है, इमोशनल डिस्ट्रेस एंजाइटी से सांस फूल सकता है, मोटापे से मोटे लोग चलते सांस फूलता है, ओबेसिटी और हायाटस हर्निया। हायाटस हर्निया के बारे में अलग से वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे कि नेक में कहीं वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गई, क्रूप जो बच्चों में होता है, नाक के नस में नाक ब्लॉक हो गया, नाक में ब्लॉक, गले में ब्लॉक, उसके वजह से सांस फूल सकता है, एयरवे ब्लॉक हो गया, एपिग्लॉटिस में इन्फ्लामेशन, एपिग्लॉटाइटिस कहीं भी, तो इससे सांस फूल सकता है। आप क्या कर सकते हो अपने घर में? पहला काम तो डेंजरस लग रहा है, हॉस्पिटल जाओ, तुरंत चेकअप कराओ, या तो ओपीडी जाओ, डॉक्टर के पास। दूसरा, घर में तब तक क्या कर सकते हैं? अगर नई है, न्यू कोई पहले नहीं होती है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाए। अगर पुरानी प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट लेते हैं, तो डॉक्टर ने बताया गया पंप ले लें, वो जो पंप आता है, या फिर उनके हिसाब से आपके जो हार्ट की प्रॉब्लम है कि ये है, उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। घर में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। अगर घर में आपके पास नेबुलाइजर पड़ा है, स्टीम इनहेलेशन है, तो ये ट्राई करके देख सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन या नेबुलाइजर। नेबुलाइजेशन में मेडिसिन डालना है, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। हर बार मेडिसिन काम नहीं करती, विक्स डाल के काम नहीं होता, स्टीम अपने आप में काम जरूर कर सकती है, आप उसको ट्राई करें। इमरजेंसी लगती है, सीधा हॉस्पिटल जाए। कब? अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी सडन है, या उससे आपको पेशेंट बेहोश होने लग रहा है, या ब्रीदिंग बंद हो गई है, या छाती में दर्द हो रहा है, बुखार साथ में है, या फिर आपको रेस्ट में भी बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अगर आपको खून आ रहा है खांसी में, बलगम में, छाती में बहुत टाइट पना है, तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपके टेस्ट होंगे, आपका ब्लड टेस्ट, ऑक्सीजन लेवल्स, सैचुरेशन, आपका ABG, चेस्ट एक्सरे, ECG, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफ, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सब किया जा सकता है, और डायग्नोस किया जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, फिर अकॉर्डिंग टू दैट मेडिसिन दी जाएगी। लेकिन समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो अपनी जान से खेलेंगे। तो सांस लेना, सांस में दिक्कत होना एक सीरियस प्रॉब्लम है, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। इसी को हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, या मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्निया। डिस्निया याद रखिए, ये जाके टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर के पास। बेस्ट डॉक्टर सांस फूलने के लिए है कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन, और चेस्ट फिजिशियन। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।